हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं एजे फीफा और स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम लेके आए एक नया एपिसोड हीरो आईएसएल का। यस, तो हीरो आईएसएल जो हम खेल रहे थे बेंगलुरु की तरफ से, यानी कि बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेल रहे थे, और आई थिंक बहुत ज़्यादा दिन हो गए मतलब वो एपिसोड डाल के, उसके बाद हमने कोई एपिसोड डाला नहीं था। तो ये कोई करियर मोड नहीं है भाई, एक्चुअली ये जो है एक टूर्नामेंट मोड है। यस, इस टूर्नामेंट को मोड को हम कंटिन्यू खेल रहे थे। इसके पहले के मैचेस अगर आपने चेक नहीं किए तो प्राइवेट में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से बेंगलुरु एफसी की तरफ खेल रहे हैं और ट्राई करने वाले हैं कि इस टूर्नामेंट को इसके साथ जीतें या फिर देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। अब देखना आने वाले मैचेस में। फिलहाल सुनील छेत्री के साथ हम खेल रहे हैं और फिलहाल जो है हमारी पोजीशन जो चल रही है भाई बेंगलुरु एफसी की नंबर 3 पे चल रही है, उसके ऊपर हैदराबाद है, लेकिन हम चाहते हैं कि नंबर 1 पे आए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो फिलहाल जो नेक्स्ट मैच है वो है केरला ब्लास्टर के साथ। तो आपकी फेवरेट आईएसएल हीरो आईएसएल की टीम कौन सी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे जरूर बताएं। और आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है जो आपको लगता है हीरो आईएसएल में आपके हिसाब से काफी बढ़िया और बेहतरीन प्लेयर है, जिसको कि आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर के साथ ये मैच होने वाला है। मेरे हिसाब से केरला ब्लास्टर के पास थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है, उनके पास थोड़ी सी आई थिंक रेटिंग जो है बेंगलुरु एफसी थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन आई होप सो वो पेपर पे ही अच्छी रहे, ग्राउंड भी बिल्कुल अच्छी ना हो और हम ट्राई करेंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हैं और पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं और आपको मेरी वॉइस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि और भी इस आवाज़ के साथ जो है फीफा की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और भाई वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो बनता ही, अगर आपको पसंद आता तो भी, अगर आपको नहीं पसंद आता तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ जो है आपको पसंद नहीं। हम डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करेंगे और ट्राई करेंगे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की और कुछ नया आप लोग लाने के लिए। तो गोल जो स्कोर हुए ना, 8-8 गोल स्कोर हुए अभी तक दोनों टीमों के आपस में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैच की शुरुआत करते हैं। सो मैच की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और अब देखना है कौन सी टीम पहले गोल स्कोर करने में कामयाब होती है। तो फिलहाल तो बेंगलुरु एफसी की तरफ से अटैक बढ़ते हुए यहाँ पर रमेश के पास बॉल है और यह लॉन्ग रेंज शॉट था, लेकिन काफी दूर हवा से बहुत बातें करता हुआ शॉट था, तो ये गोल स्कोर नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी ट्राई थी। लेकिन केरला एफसी की तरफ से यहाँ पे ट्राई बनते हुए वेज्युक के पास बॉल है, यहाँ से बहुत ही बढ़िया मूव और अंदर डालने की ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था वहाँ पे और काफी अच्छा हेडर भी लगाया था, लेकिन गोल नहीं ढूंढ पाए। काफी बढ़िया मोमेंट बनाई हुई थी। वापस केरला ब्लास्टर की टीम यहाँ पे अटैक पे, बहुत ही बढ़िया बॉल और गुड पास, यहाँ से गोल स्कोर कर पाएंगे। वॉली बना के मारने की ट्राई की थी लेकिन स्कोर नहीं कर पाए। ओके, नाउ अटैक यहाँ पे बेंगलुरु एफसी का और बहुत ही बढ़िया पास है कि यहाँ से गोल स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया चांस था वहाँ पे छेत्री के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल स्कोर नहीं कर पाया और केरला ब्लास्टर के डिफेंस ने बॉल छीन लिया भाई। वापस अटैक पे सिंह के पास बॉल है, बहुत ही बढ़िया क्रॉस किया था, हेडर करने की ट्राई लेकिन हेडर कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी बॉल वापस थी बेंगलुरु एफसी के पास, लेकिन चुरा ली गई भाई बॉल। सिल्वा के पास बॉल, बहुत ही बढ़िया पास छेत्री के लिए और लॉन्ग रेंज, ज्यादा दूर था नहीं है लेकिन शॉट काफी बढ़िया था, लेकिन गोल कीपर ने भाई बॉल रोक के वहां कमाल धमाल मचा दिया है। ओके, डी बॉक्स के अंदर तो बॉल आई लेकिन गोल की तरफ नहीं गई। ओके, वापस अटैक में बहुत ही बढ़िया बॉल और वॉली बना के मारना चाहते थे, लेकिन गोल पोस्ट से थोड़ा सा दूर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा दूर था, वहां पे गोल स्कोर नहीं कर पाए। ओके, वापस केरला ब्लास्टर अटैक में, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बॉल और गुड मूव और एक अच्छा रन और बढ़िया शॉट, इसके साथ पहला गोल केरला ब्लास्टर ने दाग दिया है भाई बेंगलुरु एफसी के अगेंस्ट। मतलब एक मिनट से कम टाइम बचा हुआ था ये हाफ कंप्लीट होने के लिए और जो लास्ट मूव बना था भाई, ये लास्ट मूव में ही कमाल धमाल कर दिया, यहाँ से गोल स्कोर कर दिया है। ये गोल काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एकदम क्रूशियल मोमेंट पे गोल आया था, मुझे लगता है उसके बाद कोई चांस है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है थोड़ा डिफेंस वहाँ पे विचलित हो गया हमारा, ऐसा लग रहा है मुझे, बेचारा करना कुछ चाहता लेकिन हो नहीं पाया जैसा वो चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल एक हाफ बचा है, हो सकता है एक हाफ में हमारी टीम कुछ कमाल धमाल कर दे और वापस जो है हम आ जाए गेम में, लेकिन अब देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ का एंड हो चुका है और पहले हाफ में केरला ब्लास्टर ने जो है बढ़त ले ली और एक गोल स्कोर करके बेंगलुरु एफसी से भाई एक पायदान आगे जा चुके हैं, लेकिन इस एक पायदान को पूरा करने के लिए सुनील छेत्री और बाकी सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा दबाव डालना पड़ेगा केरला ब्लास्टर के ऊपर और ट्राई करना पड़ेगा गोल स्कोर करने की, ताकि जो है मैच लेवल पे आ सके। तो सेकंड हाफ की शुरुआत यहां से हो चुकी है और अब देखना है क्या बेंगलुरु एफसी कुछ गोल वापस कर पाती है। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, गुड पास छेत्री के पास बॉल, लेकिन किस्मत थोड़ी खराब, गोल हो सकता था, काफी क्लोज मामला था, लेकिन गोल स्कोर नहीं हो पाया यहाँ पे। ओके, वापस अटैक पे बहुत ही बढ़िया बॉल सिल्वा के लिए, यहाँ पे सिल्वा ने बॉल है और सिल्वा ने यहाँ से पास दे दिया है बारा के लिए और बारा बहुत ही बढ़िया मूव बनाते हुए और बहुत ही लॉन्ग शॉट और गोल, फाइनली राइट साइड के एंगल की तरफ ये बॉल शॉट किया गया था और काफी दूर से डी बॉक्स के ऊपर शॉट लगाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि काफी डिस्टेंस मेंटेन करके मुझे शॉट लगाया गया था यहाँ पे, यानी कि सोच लो पोल के बिल्कुल एंड कॉर्नर की तरफ गोल लगाया गया था, जिसकी वजह से गोल स्कोर हो गया, अदरवाइज गोल कीपर ये बॉल रोक सकता। बहुत ही बढ़िया पास था वहाँ पर, ये
और जबरदस्त फिनिश वहां पे, ये देखो काफी वाइड था और गोल कीपर से पहले की चेक कर पाते हैं, जज कर पाते इस बॉल को, उसके पहले जो है ये गोल हो चुका है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और बेंगलुरु एफसी की वापसी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव के साथ, मुझे लगता है यहाँ से मैच हारना तो बिल्कुल नहीं है, भले ही ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन केरला ब्लास्टर्स की टीम बिल्कुल भी ड्रॉ करने के मूड में नहीं। और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे, लेकिन और शानदार जानदार डिफेंस वहाँ पे, जिसकी बदौलत ये सेकंड गोल उन्होंने बचा दिया है, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ अगर जीते भी ना तो एटलीस्ट ड्रॉ तो भी हम खेलें। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट और काफ़ी अच्छा पास यहाँ से अटैक बनता हुआ, इबारा सिल्वा के लिए बॉल दिया, सामने बॉल देनी चाहिए और लॉन्ग रेंज शॉट, थोड़ा सा बाहर रहा, ज़्यादा नहीं। ओके, केरला ब्लास्टर्स टीम अटैक पे यहाँ पे और काफ़ी कम टाइम बचा, अब यहाँ पे गोल स्कोर ना हो जाए इसी की जरूरत। ओहो, बच गए भाई, बच गए, थोड़ा सा बच गए यहाँ पे, ये लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे गोल स्कोर कर सकते हैं। और पास भरपूर बढ़िया पास, और यहाँ अरे यार भाई आगे पास करना था, पीछे कहाँ पास करें, मोमेंट खराब, और यहीं पे ये मैच का एंड। यहाँ पे एक चांस बन सकता था गोल स्कोर करने का और मुझे लगता सेकंड गोल हम ढूंढ सकते थे, लेकिन जो एक खराब पास हुआ जिसकी वजह से ये गोल स्कोर करने में, मतलब जो चांस बन सकते थे वो चांस बने नहीं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हो सकते थे चांस, लेकिन एक खराब पास इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर भी हम मतलब हैप्पी हैं इस रिजल्ट से, मतलब ड्रॉ अच्छा है ना यार, हारने से तो ड्रॉ अच्छा मुझे लगता है, हारना नहीं चाहिए, ड्रॉ तो ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम नंबर 5 की पोजीशन पे आ गए, जो हम नंबर 3 पे चल रहे थे हम नीचे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट मैच जो होने वाला है वह चेन्नई के साथ होने वाला है, यानी कि चेन्नई एफसी के साथ ये मैच होने वाला है, और हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट ये मैच जीतें, ड्रॉ ना खेलें, बिकॉज एक मैच हमने ऑलरेडी ड्रॉ खेल लिया है, तो उसका नेक्स्ट जो मैच है वो हम ड्रॉ नहीं खेलना चाहते किसी भी कंडीशन पे। लाइनअप सेम रहेगा, लाइनअप में कुछ खास चेंज करने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास बाहर में भी कोई इतने अच्छे प्लेयर हैं नहीं कि उनको ऐड ऑन करें, लेकिन जैसे भी है हमको काफ़ी पसंद है और उन्हीं के साथ हम खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या ये मैच हम जीत सकते हैं। तो चेन्नई एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी, काफ़ी आसपास की टीमें और काफ़ी मुझे सिमिलर टीमें, ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क मुझे लग नहीं रहा दोनों टीमों में। सो ये भी कोई मैच की शुरुआत हो चुकी है और चेन्नई के होम ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं हम लोग। ओके, बहुत बढ़िया बॉल हमारे पास मिल चुकी है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूव बनता है, वेंगम से बॉल आई है सिल्वा के पास, बॉल क्रॉस किया और यहाँ पे और थ्री का जबरदस्त गोल, बाइसाइकिल किक के द्वारा गोल कर दिया। और दैट्स द रीजन आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि सुनील छेत्री इज द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन इन इंडिया। और भाई क्या बात है, जो ये गोल गया है ना, ये गोल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आपको ये गोल कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखना। बहुत ही बढ़िया पास सिल्वा का वहां पे था और बाइसाइकिल किक जो लगे ना यहाँ पे, देखो वो हो जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया भाई किक देखिए, बार फिर से देखना चाहेंगे हम, और पूरा फुल ऑन बैक लिया था और क्या जबरदस्त किक थी यहाँ पर। हीरो आईएसएल के हमारे टूर्नामेंट का तो सबसे बेस्ट गोल है, तो मुझे तो लगता है इससे अच्छा गोल नहीं सकता। और गोल कीपर शायद मुझे तो लगता है साइड पोल पे टकरा भी गया ऐसा मुझे लग रहा है, देखो ओहो भाई गोल कीपर वहाँ पे लग चुका है, लेकिन जबरदस्त सुनील छेत्री आउटस्टैंडिंग जबरदस्त गोल, इस गोल का नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। और यहाँ पे अटैक पे ओ ओ ओ भाई गोल हो सकता, चेन्नई एफसी भी ट्राई कर रही है कि गोल को जो है लीड इनके ऊपर हुई उसको हटा दे, और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी लेकिन जबरदस्त सेव वहाँ पे बेंगलुरु एफसी के गोल कीपर के द्वारा, और काफ़ी अच्छी ओ ओ ओ ओ ओ ये सिचुएशन खराब है। और यहाँ से जो है चेन्नई एफसी ने गोल ढूंढ लिया है, फाइनली जो एक गोल हम लोगों ने किया था उसके बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके चेन्नई एफसी खेलने की ट्राई कर रही थी और फाइनली उसको रिवॉर्ड भी मिल चुका है इस गोल के ऊपर। और यहाँ पे डिफेंस काफ़ी ओपन हो चुका था और बहुत ज़्यादा वाइड मतलब जा चुका था, कैसे चांस बना था। वापस अटैक की ट्राई करते हैं, यहाँ पे छेत्री के पास बॉल है, छेत्री यहाँ से गोल नंबर 2, और क्या बात है, दिस इज द रीजन आई लव सुनील छेत्री भाई साहब, क्रूशियल मोमेंट पे क्या गोल है, और ये क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब जबरदस्त गोल। और मैं ऐसा वेट कर रहा था एक्चुअली मोमेंट बने और सुनील छेत्री के पास बॉल आया, तो सुनील छेत्री अभी हैट्रिक चांस पे भी बन चुके हैं और मुझे पता नहीं अब हैट्रिक होती या नहीं होती, लेकिन यहाँ से ट्राई बहुत ही बढ़िया थी और काफ़ी अच्छा ये भी शॉट था, काफ़ी ग्राउंडेड रखने की ट्राई की, बिल्कुल भी ऊपर लेके जाने की ट्राई नहीं की, जितना हो सके नीचे रखने की ट्राई की ग्राउंड बॉल को, ताकि बॉल थोड़ा स्किट भी हो जाए और निकल जाए अच्छी तरीके से, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। तो गोल नंबर 2 जो है जड़ दिया यहाँ पे, लेकिन चेन्नई एफसी भी अटैक करते हुए यहाँ से बढ़िया मूव बनाते हुए और वापस मूव बनाते हुए, और बहुत ही बढ़िया बॉल है यहाँ पे, क्या यहाँ से करना, यहाँ से तो बॉल रुक जाए, ओ ये क्या है भाई, ये गोल कैसे हुआ मुझे देखना पड़ेगा, मतलब ये गोल तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इस एंगल से कहीं से भी गोल होना बनता नहीं था, अदरवाइज वो लेफ्ट फुट से अगर किक करते तो शायद एक चांस बन सकता, लेकिन ये वाला गोल कैसे हुआ मुझे देखना बहुत जरूरी है, कहाँ गड़बड़ हो गई है भाई साहब, कहाँ गड़बड़ हुई है। ओके, पास यहाँ से क्रॉस, अच्छा बहुत बढ़िया, फिर यहाँ से शूट लिया और शूट कर, ओ भाई शूट लगने के बाद मुंह पे जो बॉल लगी वो सीधी गोल के अंदर गई है, ये कुछ ठीक नहीं लगा हमको, चलो कोई बात नहीं कुछ नहीं कर सकते।
मुझे लगता है यहाँ पे फर्स्ट हाफ का एंड जो है हो चुका है और फर्स्ट हाफ काफी एक्साइटमेंट वाला रहा है और काफी एंटरटेनमेंट के रूप से भी देख सकते हैं आप। दो दो गोल दोनों टीमों ने स्कोर किया, यानी कि फर्स्ट हाफ में चार गोल स्कोर हो चुके हैं, लेकिन मेन जो फंडा रहने वाला वो सेकंड हाफ में रहने वाला है कि सेकंड हाफ में कौन सी टीम जो है अपने गोलों को एक्सटेंड करने वाली है और कौन सी टीम जो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। सुहेल भी को मैच की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है सेकंड हाफ में और केरला ब्लास्टर यहां से अटैक करते हो। बहुत ही बढ़िया मूव था ये, गोल मिलता था, ओपन नेट ही चांस था, देखा जाए तो सिर्फ गोल कीपर ही वहां थे लेकिन गोल स्कोर नहीं करा। ओके गुड, वेरी गुड डिफेंस, वापस केरला नहीं चेन्नई एफसी की टीम, ओ चेन्नई एफसी की टीम अटैक करते हो और कंटिन्यू ट्राई कर रही है गोल स्कोर करने के लिए और ये बहुत बढ़िया चांस बनाया सिंह के पास लेकिन बॉल मिल नहीं पाई और यहाँ से गोल कीपर, ओह ये क्या, ये तो चाहिए भाई लॉटरी, क्या बात है, ये लॉटरी चाहिए थी मुझे, फाइनली लॉटरी लगी है यहाँ पे और गोल मिल चुका है। ओहो ओहो क्या बात है, ये वाला मुझे चाहिए भाई साहब, क्या बात है, जबरदस्त वहाँ पे, क्या बात है भाई, ये तो मुझे लगा एकदम एथलेटिक टाइप का पर्सन था और क्या बैक जाके फ्रंट आके भाई समरसॉल्ट कर रहा था, समरसॉल्ट कर रहा है करके, लेकिन ये गोल कीपर को तो भाई मारेंगे ये लोग आज, चेन्नई एफसी की टीम पक्का आज इस गोल कीपर को धोने वाले, नेक्स्ट मैच में नहीं खेलने वाली, ये क्या पास किया मुझे समझ नहीं आया इसने और बिल्कुल हमारे प्लेयर ने बहुत टाइम लिया भाई गोल स्कोर करने के लिए और मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। और अब मैं बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ टाइम पास करने के, बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाला हूँ चेन्नई एफसी को कि वापस एक गोल वो दाग दे, इसलिए हम बॉल अपने पास रख के कंट्रोल कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं और फाइनली ये मैच यहाँ पे एंड हो चुका है और हमने ये मैच एक गोल से जीत लिया, काफ़ी एंटरटेनमेंट मैच रहा और हमने चेन्नई एफसी को उनके ही होम ग्राउंड पे हरा दिया है। तो 3-2 फाइनल स्कोर रहा यहाँ पे और मेन जो मतलब मुझे लगता है कि मेन मैच का अट्रैक्शन जो सुनील छेत्री रहे और जबरदस्त दो गोल स्कोर किया और पहला गोल तो आउटस्टैंडिंग था, उस गोल के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि वो गोल आपको कैसा लगा। मुझे तो लगता है बना द बेस्ट गोल सुनील छेत्री ने यहाँ पे स्कोर किया अभी तक, जितने भी गोल स्कोर किया उसमें से सबसे बेस्ट था ये और आपको भी लगता है कि बेस्ट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखने मुझे जरूर बताएं। तो ये हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आप चाहते हैं कि हीरो आईएसएल के वीडियोस भी मैं कंटिन्यू लाता रहूं और धड़ाधड़ लाता रहूं तो फटाफट कमेंट कर दो, लाइक जरूर इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन सी यू एंड बाय बाय।